बदलाव तो बहुत आगा। पहले कुछ रोजगार नहीं है, सब निर्भर खेती पे रहते हैं, कच्चे रास्ते हैं, पक्के रास्ते हो गए। पहले तो बहुत मुसीबत थी, अब तो बहुत सुविधा है। अब वे बालक पढ़ते रहे, उन्हें हमसे ऐसी चीज पूछते रहे। वे गूगल बताओगा इसमें यू दवा लगनी चाहिए, ऐसी लगनी चाहिए, हमें क्या पता गूगल खाओ। जब वो दूध देना बंद कर देते हैं, उसे जंगल की तरफ छोड़ देते, सरकारी कहाँ तक घेर घेर के सब पशुओं को अपने घर में रखेगी। पहले हल से पूरे दिन लगता था, आज वो एक घंटे आधे घंटे में हो रहा है, जुताई वगैरह सारी चीज। सरकार का रुझान ज्यादा उधर की है, गोरखपुर हुआ, वाराणसी हुआ, उधर को ज्यादा है, हमारे इधर को ज्यादा रुझान नहीं है। बाबा गोरखनाथ का एक मंदिर है गोरखपुर में, और दूसरा है ये गाजियाबाद के भदौली गांव में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बाबा गुरु गोरखनाथ का एक मंदिर है, भव्य मंदिर है। यहाँ के ग्रामीणों ने ही मिलकर इसे तैयार करवाया है। इसकी अपनी एक अलग मान्यता है, यहाँ के ग्रामीणों की सोच भी एक अलग वो है। हमारे साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे अपने इस चौपाल में कि गांव किस तरीके से बदल रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव क्या हो रही है, जो संस्कृति है हमारी, जो परंपराएं हुआ करती थी पहले के जमाने में हुआ करती थी, वो अब किस तरीके से बदल रही हैं। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी होगी 79 वर्ष। 79 वर्ष के, 79 वर्ष से आप इसी गाँव में हैं, कितना बदलाव आपने देखा है इस गांव में? बदलाव तो बहुत आगा। जैसे पहले कुछ रोजगार नहीं है, सब निर्भर खेती पर रहते हैं, कच्चे रास्ते हैं, लोग आने जाने में परेशान है, पक्के रास्ते हो गए, रोजगार मिल गए लोगों को, तो बदलाव तो बहुत आगा। खेती के तरीकों में कितना बदलाव आया? खेती के तरीके में बदलाव आगा। जैसे ही खुए करें, हमारे यहाँ 30 क्विंटल 20 क्विंटल बीघे की हुए करें, अब 80-90-100 तक ही हो रही है। 80-90-100 क्विंटल बीघे, अब पहले 20-30 बीघे 30 हुए करें पहले। तो क्या करते हैं ऐसा, अभी आप खेती करते हैं? हाँ खेती करते हैं। तो अब पहले क्या करते थे, अब क्या क्या चेंजेस? केमिकल चल पड़े, पहले केमिकल नहीं है कोई भी, पानी की सुविधा नहीं है, अब पानी की सुविधा है, और केमिकल चल रहे हैं जो कीटाणुओं को मारते हैं ना, उससे खेती अच्छी बढ़ती है। केमिकल और पेस्टिसाइड से लोग बीमार बहुत हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। तो इसको लेकर क्या आप लोगों ने सोचा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी भी बोलते हैं कि जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ वापस बढ़ना चाहिए, तो क्या आप लोग ऐसा कुछ सोचते हैं क्या आप? हाँ, अगर किसान को 10-12 मन गेहूं से कम पैदा होता है तो किसान का औसत नहीं आता, किसान को तो मजबूरी में केमिकल लगाने पड़ते हैं। क्यों? जुताई भी महंगी होगी, बीज खाद भी महंगे हो गए, और केमिकल भी महंगे हो गए। अगर 10-12 मन से कम का औसत आता है तो किसान को कोई फायदा नहीं होता, इसलिए दवाई लगानी पड़ती है। इसका विकल्प क्या है, कभी छूटेगा? क्योंकि भाई एक तरफ आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जब उसका यूज कर रहे हैं, आप उसका सेवन कर रहे हैं, तो बीमार भी हो रहे हैं, और बीमारी में जो आपकी आमदनी है उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाता है। तो कभी आप लोग सोचते नहीं है कि आप लोग पहले तो प्राकृतिक खेती करते रहे होंगे, आप लोग कभी ये सोचते नहीं कि यार छोड़ो अब पैसा बहुत कमाने का अलग हो? छूटेगा नहीं, क्यों? जनसंख्या भी ज्यादा बढ़ गई, पहले इतनी जनसंख्या नहीं, अब जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, इसलिए यूं छुटेगा नहीं। मैं अपने गांव को कितना बदलता हुआ देखा? बहुत बदल गया जी। तो पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत सुविधा, सड़कों की सुविधा, गलियों में खांचे रह कर वे नहीं है, बहुत बदलाव जब सब को। तो पहनावे में भी आप जैसे आपने पहना हुआ है टी शर्ट भी डाल लिया, पहले धोती कुर्ता और पजामा हुआ करता था। पहले तो नंगे भी रहे, नौकरी पैर करे यहाँ लोग, पहले तो बहुत मुसीबत थी, अब तो बहुत सुविधा है। अच्छा, संस्कृति में भी कुछ बदलाव हुआ है क्या, कि जो सांस्कृतिक जो अपने चीजें थी पूजा पाठ में और रहन सहन में जो चीजें हुआ करती थी, अब वो गांव में भी एसी लगने लगे हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों में भी आप कहीं बदलाव देखते हैं क्या? इससे आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? ये भी इससे अच्छा ही हुई है, आराम से रह रहे हैं लोग, बदलाव बहुत है, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सभी काम हो रहे हैं, पहले ये नहीं हो गए ऐसे,
पहले होश ही नहीं है किसी को अपने हल चलाने से, अब सब ठाल लिए सब अपने मंदिर को ध्यान है बढ़िया वो है जब से। आपके बच्चे कितने बड़े होंगे अभी तो? बच्चे तो हलाक हो रहे हैं, सब ब्याह कर दिए। उनके भी बच्चे हैं? उनके बच्चे हैं। तो उनसे समझने की स्थिति में होते हैं वो? हाँ खूब बात होती है उनसे। हाँ बात। क्या पूछते हैं वो आपसे? हमसे जहाँ वे बात हम अपनी किताब दिखाना, इसे पढ़ियो इसे पढ़ियो, मगर हमने ये पढ़ी नहीं भाई। अब वे बालक पढ़ते रहे उन्हें हमसे ऐसे चीज पूछते रहे वे। इंग्लिश में बात करें हम अपने बैठे देखते रहे उनके ओर को। अच्छा लगता है? अच्छा लगे जब वो बात करें, पर हमें तो समझ में नहीं आ रही है बात क्या कह रहे हैं। गूगल को देखो बाबा, क्या के गूगल को देखो, गूगल क्या बता रहा है, खेती में बताता सब चीज गूगल। तो गूगल आपने किया कभी? नहीं हमने तो देखा नहीं गूगल, लेकिन आजकल के बच्चे तुम जैसे तो बता रहे हैं ना, अब फोनों में देख देख के गूगल पे बुझो, गूगल बताओगा इसमें यू दवा लगनी चाहिए, ऐसी लगनी चाहिए, हमें क्या पता गूगल क्या हो। तो आप करते हैं फिर वो? हाँ फिर करते हैं उसे, मतलब यूट्यूब पे देख लो चाहे गूगल पे देख लो कि किस समय पे क्या फसल है, किस में कहाँ पानी देना है, क्या खाद देना है, सारी चीजें बताता है। आप खेती के अलावा और कुछ करते हैं? जॉब भी करते हैं या? जॉब करते हैं सर। कहाँ पे? मैं साहिबाबाद। साहिबाबाद में मतलब किसी कंपनी वगैरह में? आप प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर में, सेल्स में। आज ये बताइए कि ताऊ बता रहे हैं कि पहले हल से जुताई होती थी, बहुत चीजें थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी के संकट था, अब तो बहुत चीजें बदल गई हैं। आप क्या आपको लगता है कि अभी इसमें और बदलाव होने चाहिए? आप युवा हैं और अभी आपने शुरुआत की है बहुत चीजों को देखने में समझने में, आपको क्या लगता है कि यार ये होना चाहिए तो मजा आ जाता गाँव में? नहीं तकनीकी रूप से देखा जाए तो पहले हल वगैरह थे, लेकिन अब ट्रैक्टर है, टीलर है, सारी चीजें नई नई सुविधा आ रही है इसमें। तकनीकी जो भी जितनी मतलब युवा पीढ़ी को जो सारी समस्याएं जो पुरानी थी उससे निवारण मिल रहा है अब सारी चीजें। तकनीक मजदूरी खत्म हो रही है, अब जो समय पहले हल से पूरे दिन लगता था आज वो एक घंटे आधे घंटे में हो रहा है जुताई वगैरह सारी चीज। ताऊ आपने बताया था कि पूरे गांव में कुछ भी होता है तो वो थाने तक जल्दी नहीं पहुंचता है, वो यही मंदिर एक ऐसा जगह है जहां पे सब कुछ सारे केसेस का निस्तारण यही होता है, क्या है ये? नहीं निस्तारण तो यहां मंदिर में तो का इसका तो हो ही हो वे है, अब थाने ठुकड़ कहा जाए सब यही अपने फैसला बोले इनका थानों में क्या धरा हुआ सब मान भी जाते हैं। मान को नहीं जाते हैं, सब मान ही लें यही अपने सब यही फैसले हो जाओ, नहीं मानता कोई एक आध बिल्ला बता सब तरह के हो वो भाई अपने चले जाओ। और हो फैसले यही आएंगे। पांच दशक में आपने कितना गांव को अपने बदलते हुए देखा है, किस तरीके से चीजें नई आ रही हैं और खासतौर पे संस्कृति खान पान में क्या बदलाव हो रहा है? नहीं हमारे आगे ही सब कुछ बदलाव हुआ, पहले तो जौ के और बाजरे की ज्वार की रोटी मिलती थी, जब हमारे बड़े थे बुजुर्ग थे उन्होंने तो जौ बाजरा ये चीज खाई और हमारे आगे तो गेहूं की रोटी सब कुछ बढ़िया है। अब तो फिर वही आ रहा है, पुराने लोग आ रहे हैं पुराने उस पे पद्धति पे आ रहे हैं, जौ और बाजरा और गेहूं सब मिक्स करके अब तो खाने का चलन हो गया है। पहले हमारे यहाँ सब कुछ होता था ना, अब ये नील गायों की वजह से बहुत चीज नहीं हो पाती है। यानी पहले तो हमारे यहाँ उड़ा चना दाल दलहन सब होती थी। नील गाय की समस्या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। वैसी गायों की भी संख्या ज्यादा है जो पशु उनको पाल रहे हैं वे छोड़ दिए, बछड़े छोड़ दिए, हमारे जो पशु हैं उनकी भी संख्या ज्यादा है उनकी भी। तो इसके इसके लिए आपको नहीं लगता कि सरकार को कुछ करना चाहिए? कभी करना चाहिए लगता है लेकिन कर नहीं रही। अभी सरकार तो कहती है कि गौशाला खूब बनवा दिया है, फिर सरकार ने तो गौशाला बनवा दी है, जो आसपास के जो लोग होते हैं ना क्या करते हैं, पहले तो गाय पाल लेते हैं बड़े शौक से, जब वो दूध देना बंद कर देती है उसे जंगल की तरफ छोड़ देते हैं, सरकारी कहाँ तक घेर घेर के सब पशुओं को अपने घर में रखेगी। हमारी सबकी जिम्मेदारी अगर गौ माता दूध देना बंद कर रही है तो गौशाला में उसे बाकायदा इज्जत से छोड़ कर उसका चारा पानी का इंतजाम करके, ताकि जो हमारी गौ माता जितने दिन हमें उसने दूध पिलाया है उसका जो है चारा उसे दे। सरकार का रुझान ज्यादा उधर की है, गोरखपुर हुआ वाराणसी हुआ उधर को ज्यादा है, हमारे इधर को ज्यादा रुझान नहीं है। अब हमारे यहाँ ये सड़कें टूटी पड़ी हैं, देखो कितना बुरा हाल है, आने जाने में बहुत परेशानी है, कोई सरकारी ट्यूबवेल नहीं है, कोई हमें सुविधा, अभी टंकी भी कितने सालों से इसका उचल रहा, टंकी का कोई वो नहीं है अभी, और टंकी पाइप फूट जावे तो गंदा पानी भी आवे फिर टंकी में,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।